press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. एक और पूछो क्यों फंस गया शादी करके लोगों के लिए शादी है लेकिन मेरे लिए बर्बादी है लाख समझाया मेरे दोस्तों ने कि दहेज के सामान के साथ साथ जो तू ये पुरानी खटिया लेकर आया है ये बहुत बुरी है और साथ में दहेज में लेकर आई है आधा दर्जन बच्चे जिन्हें घर का पता पक्का याद है 20 मर्तबा छोड़कर आया इनको मंदिर में शाम को लौट कर आता हूँ तो साले खा पी के पड़े होते मेरे बिस्तर पे ये लो जी ये तो हो गए पागल अरे जो बच्चे पैदा नहीं हुए उन्हें क्यों कोस रहे हो गलत 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 तेरा ये सुपरस्टार डायरेक्टर हस्बैंड अपने ऑस्कर विनिंग नाटक की रिहर्सल कर रहा था नाटक नौटंकी करते रहना काम धाम मत करना अच्छा सुनो ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हाँ हाँ जो भी हो ये बताओ ये जो तुम्हारी भांजी पूना से आई है और कितने दिन रहेगी ये यहाँ और कितने दिन मतलब उस बेचारी का इस दुनिया में इस मामा के सिवा है कौन हेलो तो क्या सारी जिंदगी यहाँ रहेगी आहिस्ता आहिस्ता अपना हाँ? रेडियो आहिस्ता खोलो वो तेरे पास नहीं आई है अपने मामा के घर में आई है और सुनो उसे आज कुछ उल्टा सीधा मत बोलना क्यों वो बेचारी बहुत खुददार लड़की है इधर नौकरी ढूंढने आई है तुम्हें तो आज तक नौकरी मिली नहीं उसे क्या मिलेगी डोंट वरी मामी जी आज के इंटरव्यू में मुझे नौकरी जरूर मिलेगी मेरा मन कहता है क्यों नहीं मिलेगी नौकरी क्या कमी है हमारी भांजी में इंटेलिजेंट है पढ़ी लिखी है स्मार्ट है अच्छा मामा जी मैं चलती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगी रास्ता भी नहीं पता ना बाय मामी जी सुनो सिलेक्शन हो गया तो घर की बात कर लेना सुना है आजकल नौकरी के साथ क्वार्टर भी मिलता है कार भी मिलती है बेटी तुम जाओ मामी के चक्कर में नौकरी भी हाथ से जाएगी जाओ जाओ ऑल द बेस्ट ओके बाय मामी जी बाय बाय ऑल द बेस्ट बेटी इतनी बार समझाया कि मिर्ची का अचार खाना छोड़ दो कड़वी हो गई हो चलो मीठा देता हूँ नाटक की रिहर्सल करो क्या पानी कम समझे ले है चल हट जा बाजू ठुकरी प्लीज छोड़ उसको समझा अरे बहुत हटेली लड़की है क्यों? अरे कल ये आके मेरी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई तू इसकी गाड़ी में बैठी थी वो मेरा पहला दिन था ना लेट हो रही थी इसीलिए और आज मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई नहीं तू इसको नहीं जानता ये मेरी प्यारी प्यारी भांजी है नमस्ते ओ नमस्ते ओ स्टार ओ मामा इसको मेरे ऑफिस हीरोइन लो ना यार ये यहाँ पे हीरोइन बनने नहीं आई है नौकरी करने आई है अरे मैं जानता हूँ कहाँ पे नौकरी कर रही है मालिक होके मैं वहाँ पे नहीं जाता ये वहाँ पे जाके क्या कर लेंगी तू इसके यहाँ नौकरी कर रही है इनके बड़े भैया के साथ अरे तू मेरे बड़े भैया का गुस्सा नहीं जानती जितना मैं नाखून ना वो उतना खतरनाक हाय 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 क्या एक्सप्रेशन है किसी सीन में इस्तेमाल करेंगे याद रखना चलिए ना मामा जी मामी जी वेट कर रहे हैं गुड नाइट बाय बाय चलिए ना ए मामा मामी जी के पास जा रहा हूं चल रियाज कर छोड़ना मामी चले इधर हट रियाज कर हट ए अरे क्यों मरवा रहा है निशाना ध्यान से मारना कहीं चूक गया मैं तो गया प्रेम वो दिलीप कुमार कैसे गोली मारता है वैसे मार ना ना मामा ना हिलना नहीं वरना जान भी जा सकती तुम्हारी क्योंकि दिलीप साहब ने आज पहली बार ये गन उठाई है ध्यान से बच गया मामा अब नहीं बचेगा क्यों उससे छोटा है ना ये संतरा ये बहुत छोटा है यार अरे ये तो कुछ नहीं है उससे छोटा है ये अंजीर यही ठीक है ध्यान से अच्छा प्रेम अमिताभ बच्चन गोली कैसे चलाता है वैसे चला अरे नहीं 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 वो अमिताभ बच्चन वो लेफ्ट हैंड से चलाता है तू राइट हैंड से चला वो पदाशी लेफ्ट हैंडर है तू पदाशी राइट हैंडर है ध्यान से मेरे बाप ध्यान से प्लीज आंख बंद कर ऐ साला चुप भाई अगर ज्यादा बकबक किया ना तो हम तुमको भून कर Good shot, Prem! बच गया! मामा, नहीं बचा। उससे भी छोटा है अंजीर। नहीं, ये चीटिंग है। What is this happening, यार? This is no acting. No, no, no! मामा, जितना हिलना हिल, क्योंकि अपना स्टाइल एकदम अलग है। ये तो अंजीर है खजूर। इससे तो अपन अंगूर भी उड़ा सकता है। ये देख। मामे, दिलीप कुमार हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया। अब मेरा प्रेम किस स्टाइल से मारेगा हा? अरे अभी उसका स्टाइल बनाने उसको टाइम लगेगा आग बंद आ जाओ प्रेम से दूर लेके जा बॉस मैं इस पे एक बार बैठ सकती हूँ हाँ जरूर क्यों नहीं आओ बेटी पहले कभी बैठी हो नहीं लेकिन अरे कोई बात नहीं कुछ एक बार ट्राई करना There's always a first time put your left leg here That's it very good शाबाश राम 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 राम
ये क्या है? मामे आंखें खोल। तुम लोग भी यार ना यार। क्या हुआ? अरे मेरी भाजी। अगर तुम मेरे को नहीं मिलना, तो मैं जहर खा। हाय सपना। क्योंकि पता क्या बात है? हूं ना जा रहा हूँ पनवेल में हूँ, यहाँ पे सिग्नल बहुत कम है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। हाँ, दो दिन वापस आ रहा हूँ, दो दिन बाद फोन करता हूँ। अरे प्रेम आ गया। प्रेम कॉस्ट्यूम पहने रिहर्सल करते हैं, चलना यार। अरे इसको क्या हुआ? क्या बात है प्रेम, क्या हुआ? विक्की भाई को प्यार हो गया। विक्की भाई को एट लास्ट प्यार हो गया। प्यार हो गया, शादी करेगा, उसके बाद इस छोटे की शादी होगी और ये मेरी भांजी को लेकर चला जाएगा। जिस लड़की से विक्की भाई को प्यार हो गया वो आपकी भांजी सपना है। क्या मजाक कर रही है? मजाक करना छोड़ो, कपड़े पहन ले। वैसे बड़ा घटिया मजाक था, आइंदा करना नहीं है। नहीं कर रहा यार मैं मजाक, ये कोई मजाक करने की बात है। विक्की भाई को सपना से प्यार हो गया, वो उससे शादी करना चाहते हैं। तू क्यों नहीं बोल देता विक्की भाई साहब को कि तू सपना से प्यार करता, उससे शादी करना चाहता है? क्योंकि नहीं बोल सकता मैं। मैं तो बोल सकता हूँ ना। नहीं बोलोगे तुम? मैं उसका मामा हूँ, फैसला करने का हक सिर्फ मेरा कि वो किसके साथ शादी करेगी, किसके साथ शादी नहीं करेगी। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू और सपना एक दूसरे के साथ कितना प्यार करते हो। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं विक्की भाई से कितना प्यार करता हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जानते हो कि नहीं? देखो मामा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत नाटक किया, अब मेरे लिए नहीं विक्की भैया की खुशी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तुम सबकी मदद चाहिए होगी, प्लीज। ओके, प्रेम से प्यार करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता, मैं तुमको बताता कि प्रेम कैसा लड़का है। भाई मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे वक्त पर आंखें खुल गई इसकी, वरना भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम तो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते। हाँ, अगर उस घर में कोई प्यार या शादी करने के लायक है तो वो विक्की है। लो, कहने को सगे भाई पर कितना फर्क है दोनों में है? एक देखो सीधा सच्चा कमाऊ पूत और दूसरा आवारा नौटंकी बाज। हा? अरे भगवान की मर्जी थी कि उनके घर से रिश्ता आया तो विक्की का आया तेरे लिए। हाँ, ये नहीं हो सकता, मैं प्रेम से प्यार करती हूँ। किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि तू प्रेम से प्यार करती है। अब वो जमाना थोड़ी रहा कि मर्दों की बेवफाई पर औरतें आंसू बहाती रहे। अरे प्रेम को देख, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता रहा। अरे तू क्यों रो रही है, तू भी हंसते खेलते अपनी जिंदगी बिता। कल हम उनके जा रहे हैं तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए। ब्लैक वाला सूट पहना, सुंदर लगती है तू।